दोस्तों, अगर आप लूडो किंग गेम खेलना पसंद करते हैं और आप हार जाते हैं, अगर आपको हारना पसंद नहीं है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं लूडो किंग गेम की कुछ ऐसी ट्रिक जिनका फ़ायदा उठाकर आप हर गेम को जीत सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, लूडो किंग गेम के अंदर कुछ मिस्टेक हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा और गेम को जीतना होगा। नंबर एक, गोटियाँ डबल नहीं हो सकती, ये भी एक मिस्टेक है। गोटी एक के ऊपर एक नहीं बैठ सकती है, लेकिन लूडो किंग गेम के अंदर एक अपडेट आ चुका है जिसके अंदर गोटियां डबल हो जाती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जो गोटियां डबल बैठी हैं वो कट नहीं सकती, यानी उसे पीछे से आके कोई उन्हें काट नहीं सकता है, तो ये हमें एक प्रॉफिट है। ठीक है, नंबर दो, तीन बार छः नहीं आ सकते, यानी इस गेम के अंदर आप तीन बार छः नहीं ला सकते। अगर तीन बार छः लेकर आएंगे आप तो ग्रैम क्रॉस हो जाएगा, यानी गेम आपका बिल्कुल वहीं बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नंबर तीन पर आता है, बिना गोटियां काटे आप घर के अंदर जा सकते हो, अपनी गोटियां घर के अंदर ले जाकर कलर कर सकते हो। इस ठीक है, नंबर तीन पर आता है, हम कलर कौन सा चॉइस करें। दोस्तों, अगर मैं कलर की बात करूं तो आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हो, लेकिन हरा कलर जो है ना सबसे पहले खुलता है, नंबर छः उसके अंदर सबसे ज़्यादा आता है। और अगर दूसरे कलर की बात की जाए तो आप यहाँ पर लाल कलर भी चॉइस कर सकते हो। अब दोस्तों, गेम जीतने की बात आती है कि गेम कैसे जीते हैं। दोस्तों, गेम जीतने के लिए सिंपली हमको पता है कि हमारे जितने नंबर ज़्यादा आएंगे, जिस गोटी के नंबर ज़्यादा आएंगे वो सबसे पहले जीतेगी। तो सबसे ज़्यादा नंबर हमको लाने, यानी सिक्स सबसे ज़्यादा मारना है, यानी छः नंबर हमको सबसे ज़्यादा मारना है, यानी छः नंबर की बरसात करनी है। तो सिंपली मैं इस वीडियो में आपको इसी ट्रिक के बारे में बताऊँगा, एंड तक एक गेम खेल के दिखाऊँगा आपको। सिंपल इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो सिंपली मैंने इस गेम को प्ले कर दिया है और मैंने जो कलर चॉइस किया है वो हरा कलर चॉइस किया है, और आप देख सकते हैं वो कलर सबसे पहले खुल गया है, गोटी बाहर आ गई है और छः आने के बाद चार भी आ चुके हैं। ठीक है, इधर भी मतलब गोटी खुल चुकी है, और देखिए यहाँ पर मेरी दूसरी गोटी भी खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। आप देखिए मेरा नंबर एक आया है, ये गलत है मेरे लिए, मुझे छः लाना है। तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, घर से जो गोटी है उसको ही भगाना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप देख सकते हैं तीसरा छः आ चुका है, और ये तीसरी गोटी भी मैंने इसके पीछे कर दी है, और आप सिंपल देख सकते हैं चौथा छः भी मेरा आ चुका है, और सिंपली मैं जो घर पर गोटी बैठी है उसको आगे लूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी छः की यहाँ पर बरसात हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था गोटियां डबल नहीं हो सकती हैं, तो मेरा यहां पर पाँच या छः सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देख सकें कितना मेरा छः यहां पर आता है। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा कितनी बार छः आ चुका है। इस तरह से आपको अपनी सबसे पीछे वाली जो गोटी है ना उसको आगे धकेलना है, सबसे आगे लाना है, उसके बाद फिर से जो सबसे पीछे गोटी बैठी है उसको आगे लाना है। और थोड़ा सा गेम रिस्की तो है, पीछे से आके हमें कोई मार सकता है, लेकिन वो हमें अभी नहीं मार सकता, बहुत दूर है। ठीक है, वो पास में आएगा जब तक हम थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। हो सकता है हमारी सारी गोटियाँ एक बार में अंतर हो जाएं, ये भी गेम में कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पर रिस्क लेना पड़ रहा है। ये एक ट्रिक है जो आजमा रहे हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या होता है, पीछे से गोटी आ चुकी है, लेकिन हमें इस गोटी से अपनी गोटियों को बचाना होगा। चलिए यहाँ पर हम सिंपल अपनी गोटियों को आगे बढ़ाते हैं, और मेरा अभी पाँच आ चुका है, और मैंने सबसे वाली जो पीछे गोटी बैठी सबसे पीछे उसको आगे लिया है। आप दोबारा से देखते हैं कितना नंबर आया। चलिए, मेरा यहाँ पर पाँच आ चुका है, गोटी पीछे वाली पास में आ चुकी है, उसका अभी देखिए तीन आ चुका है। चलिए, मेरे यहाँ पर छः आ गया है, यहाँ पर मुझे क्या रिस्क लेना है। चलिए, पीछे वाली गोटी को फिर से भगाना, वो तो स्टॉप पे है, और दोबारा से इसको ऐसे नंबर पे ले जाना है जो कि छः से नहीं मारी जाए। अब देखिए मेरे यहाँ पर पाँच आ गया है, तो मुझे वही गोटी लेनी है, और यहाँ पर थोड़ा रिक्स है, कोई नहीं, सिंपल आप इस गेम को एंड तक देखते रहिए क्या होता है। अभी रिक्स तगड़ा है। अब देखिए इसका यहाँ पर तीन आ गया है, तो उसे मिस्टेक घर में ही जाना होगा, नहीं तो ये वाली गोटी दोनों निकल जाएंगी, उसे पता है। चलिए, वो अब घर में जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपनी गोटियों को इस तरह से रख दिया है कि अगर वो घर से गोटी चलता है तो मैं उसे तुरंत ख़त्म कर दूँगा, आप देख सकते हैं। अब देखिए उसका दो आ गया है, तो मैं अपनी गोटी जैसे ही चलो यहाँ से अपनी गोटी बढ़ाएगा, तुरंत ही मैं उसे ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए उसका चार यहाँ पर आया है, तो मैं अभी अपनी गोटी चलता हूँ, तो मेरा अभी चार पीछे से आ चुका है, इस गोटी को ख़त्म कर दो और आगे बढ़ जाओ। दोबारा से छः, चलिए तीसरा छः आ गया है,
अब मुझे अपने घर की तैयारी करनी है। आप देखिए तीन आ चुका है, कोई बात नहीं, वही गोटी मुझे अंदर ले जानी है। अब देखिए यहाँ पर मेरी दो गोटियाँ बैठी हुई हैं, तो इस गोटी को मुझे काटने में बहुत ही आसानी होगी, यहाँ पर मुझे चांस मिल जाएगा। अभी इसका तीन आया है तो ये घर से ही चलेगा, तो इसका अभी मेरा पाँच या छः से इसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो पाँच आ चुका है, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा और आगे निकल जाऊँगा। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि अभी आप गेम जीते नहीं हो, अभी आप हार सकते हो, तो थोड़ा सा और टाइम ली, ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा अभी मैं आपका, थोड़ा सा टाइम लूँगा। और ये देखिए ये पीछे से गोटी मारने आ चुका है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है इस गेम में। देखिए मैंने उस गोटी को इसलिए रोक दिया था कि इसकी गोटी खुली नहीं है और मैं पीछे से आके इसे अब मारूँगा। दो चांस है मेरे पास, यहाँ पर दो से गोटी को काट दिया, अब मैं सीधा घर की ओर चलता हूँ। ये गोटी बैठाल नहीं है क्योंकि पीछे से आके ये गोटी मेरी कट सकती है, ठीक है। मैं इस गेम के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये 100% गेम जीतना है आपके लिए। अब देखिए उसका छः आ गया, उसने एक चांस ले लिया मुझे ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसका जो चांस है वो पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा रिक्स है, अगर उसका चार आ गया तो मेरी गोटी काट सकता है, लेकिन उसका तीन आया, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं आगे निकल चुका हूँ आप देख सकते हैं। और मेरी गोटी घर जाने की तैयारी कर रही है दूसरी वाली। अब देखिए यहाँ पर उसे सोचने वाली बात है, वो गोटी खोले या फिर रिक्स ले, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए उसने रिक्स लिया है, शायद वो गोटी को मार सकता है, लेकिन उसका मजबूरन यहाँ पर पाँच आ गया, उसे अब आगे निकलना होगा, नहीं तो ये वाली गोटी भी उसके हाथ से चली जाएगी, आपको पता है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर छः मार दिया, ये यहाँ से भागने की कोशिश है क्योंकि अब देखिए वहाँ पर दो आ गया, वो तीसरी गोटी भी मैंने काट दी। और ये आप देख सकते हैं मुझे यहाँ से भागने में फ़ायदा है क्योंकि अगर मैं भाग जाऊँगा तो मैं जीत सकता हूँ, उसकी दो गोटियाँ बंद हैं। और देखिए पाँच आ चुका है, गोटी तीसरी वाली जो है वो बैठ चुकी है, और आप देख सकते हैं दो गोटियाँ अंदर हैं और एक गोटी कलर हो चुकी है और दूसरी गोटी भी अंदर जा चुकी है, यानी तीन गोटियाँ मेरी अंदर जा चुकी हैं घर के अंदर। तो मुझे ये गेम खेलने के लिए अब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम बेस्ट होगा अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। तो सिंपली दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।